तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महतारी वंदन योजना का जो पैसा है बहुत सारे महिलाओं को नहीं मिल पाया है, उनका जो डीबीडी कैंसिल रेट बता रहा है, जो आप लोग चेक कर रहे हैं डीबीडी कैंसिल रेट बता रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या जो है आप लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। बैकग्राउंड को आप ध्यान में ना दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड में जो है बाहर पे हूँ, अभी जो गाड़ी पे हूँ और जो है यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बैकग्राउंड को ध्यान मत दीजिएगा, जो मेरा वॉइस है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको जो है 101% अच्छी जानकारी दूंगा और जो है सिक्योर जानकारी दूंगा, मस्त एकदम तगड़ा वाला जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है डीबीडी कैंसिल बता रहा है, तो उन लोगों का पैसा आएगा या नहीं आएगा, चलिए विस्तार से आप लोग बताएगा। तो डीबीडी कैंसिल हो गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो है उनके जो सर्वर की वजह से वहाँ से जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से हो रही है, आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके तरफ से कोई भी 1% का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो है आप लोग जो है आप चिंता मत कीजिएगा, आपका पैसा जो है आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कब तक आएगा, पैसा आएगा तो कब तक आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों का मन में ख्याल आ रहा है। पैसा आएगा तो कब तक आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर डीबीडी प्रॉब्लम की। डीबीडी कैंसिल रेट बता रहा है बहुत सारे लोगों का, डीबीडी एक एक दो का नहीं, हजारों करोड़ों, हजारों करोड़ों तो नहीं, हजारों लोगों का जो है यहाँ पर जो है डीबीडी कैंसिल रेट बता रहा है, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग बता रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, तो आप लोग जो है बता दो, यहाँ पर जो है कैंसिल हो रहा है, पेंडिंग जो है यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, डीबीडी कैंसिल रेट हो रहा है, तो इसका जो मेन जो प्रॉब्लम है कहाँ से हो रही है। ये प्रॉब्लम देखिए, जब 1 तारीख को पैसा डाला गया था महातारी वंदन योजना का, 1 तारीख को पैसा डाला गया था, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर जो 1 तारीख को जैसे ही डाला गया था तो कुछ के खाते में आ गया था, कुछ के खाते में नहीं आया था, इसके बाद कुछ के खाते में आया था, कुछ के खाते में नहीं आया था। इसके बाद हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो जो है नहीं आ रहा था। 8-10 दिन इंतजार करने के बाद भी पैसा नहीं आया, वो लोग जो है फिर से चेक कर रहे हैं, अभी अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि डीबीडी कैंसिल बता रहा है, किसी का पेंडिंग बता रहा है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, आज जो है हो सकता है आपके आज जो है कैबिनेट में बैठक हो सकता है और जो है वित्त विभाग जो है आपके पैसा को जारी करता है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास के द्वारा जानकारी पहुँचाया जाता है और जो वित्त विभाग के द्वारा आपको पैसा को जो है जारी किया जाता है, ठीक है। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, जैसे इंतजार करेंगे 1 से 2 दिन, एक सप्ताह तो आप इंतजार कर ही सकते हैं, 1 सप्ताह इंतजार करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा 1 सप्ताह का पहले पहले मिल जाए, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इंतजार करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी, छोटे से वीडियो बनाकर, तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।